हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्ट्रीमर। दोस्तों, रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर ऐसे कुछ बहुत सारे हिडन फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते हैं, पर ये सारे फीचर्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं और आपको दोस्तों इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही कुछ 5 हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro के। लेकिन दोस्तों, वो बताने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको बिल्ट इन Alexa का सपोर्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, Amazon Alexa का ये एप्लीकेशन है। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को सेटअप करना होता है और एक बार जब आप सेटअप कर लेते हैं तो आप Alexa के थ्रू काफ़ी सारे कामों को करवा सकते हैं। आप किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी म्यूज़िक को, किसी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, वेदर अपडेट्स चेक कर सकते हैं, न्यूज़ चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने Alexa का स्मार्ट होम सेटअप कंप्लीट करके रखा है तो दोस्तों आप घर के लाइट्स को, फैंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, Alexa टर्न ऑफ ऑल लाइट्स। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारा लाइट ऑफ हो गया। और इसी तरीके से अगर आपको ऑन करना है वापस से, Alexa टर्न ऑन ऑल लाइट्स। सो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना जल्दी, कितना फास्ट ये वर्क करता है। तो Alexa का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर से आप ट्राई करें। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सीक्रेट फीचर हो जाती है Redmi Note 8 Pro की, वो है इसका डार्क मोड सपोर्ट। तो दोस्तों, फ़ोन के अंदर आपको बिल्ट इन डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है और उसको आप सेटिंग्स के अंदर जा करके ऑन कर सकते हैं। तो आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल डार्क मोड इनेबल हो जाता है। देख सकते हो हमारा कंट्रोल सेंटर सब कुछ यहाँ पे डार्क मोड में चेंज हो चुका है। और साथ में दोस्तों, जो भी एप्लीकेशंस के ऊपर डार्क मोड सपोर्टेड रहता है वो सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे डार्क मोड के अंदर शो होने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा फाइल मैनेजर डार्क मोड में हो चुका है। तो इस वाले सेटिंग को भी दोस्तों अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से ट्राई कर लेना। इसके बाद दोस्तों, Redmi Note 8 Pro के अंदर आप वाईफाई के साथ साथ हॉटस्पॉट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको बाकी कई सारे फ़ोन्स के अंदर ये वाला फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। सो यहाँ पे दोस्तों, मैं वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को एक साथ ऑन कर सकता हूँ एंड जिस भी वाईफाई नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ उसका इंटरनेट मैं हॉटस्पॉट के थ्रू अपने डिवाइस के थ्रू शेयर कर सकता हूँ। तो ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर हो जाता है और इसको भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा काम आता है ये वाला फीचर भी। तो Redmi Note 8 Pro बेसिकली एक गेमिंग स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको हीलियो G90T प्रोसेसर मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको गेमिंग से रिलेटेड एक काफ़ी बढ़िया फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए चले जाना है सेटिंग्स के अंदर एंड इसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स का एक ऑप्शन दिख जाता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको गेम टर्बो नाम का एक फीचर मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पे दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अपना गेम यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो प्लस के साइन पे आप टैप करके अपने गेम्स को, एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से दोस्तों, मैंने पहले से एक गेम को ऐड करके रखा है और इसको आप दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च भी कर सकते हैं। तो गेम आपका लॉन्च हो जाता है एंड यहाँ पे बूस्ट भी हो जाता है गेम आपका, बैकग्राउंड के ऊपर से जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से हट जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको और भी कुछ ऐसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों, गेम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट से या फिर राइट से स्वाइप करना है और यहाँ से दोस्तों आपका एक कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स हैं। ऊपर में आपको दोस्तों यहाँ पे FPS भी शो होता है कि कितने FPS पे आपका गेम रन कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आपके काम आ सकते हैं। यहाँ से आप वाईफाई को भी ऑन ऑफ कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं फ्रेंड्स। साथ में दोस्तों, यहाँ पे आपको एक गेम बूस्टिंग का भी फीचर मिल जाता है। तो अगर आपका गेम लैग करने लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि गेम फ्रीज़ कर रहा है, लैग कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों, आप अपने गेम को बिना मिनिमाइज़ या फिर क्लोज़ किए हुए अपने बैकग्राउंड के ऊपर जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको बंद कर सकते हैं और यहाँ से अपने गेम को बूस्टअप कर सकते हैं। मोबाइल गेमर्स के लिए ये भी एक काफ़ी बढ़िया वाला फीचर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग या फिर फीचर हो जाता है Redmi Note 8 Pro का, वो ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके फ़ोन के ऊपर आपके सारे आइकन्स इधर उधर हो जाते हैं, अरेंज नहीं रहते हैं ठीक से, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक करके सारे आइकन्स को उठा करके उनके जगह पे रखें। इसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली होम स्क्रीन के ऊपर प्रेस करके होल्ड करना है और इस तरीके से अपने फ़ोन को शेक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सारे आइकन्स एक जगह पे अरेंज हो जाते हैं काफ़ी बढ़िया से एंड जो भी स्पेस होता है वो पूरा कवर हो जाता है। तो ये भी दोस्तों एक काफ़ी
काफ़ी बढ़िया फीचर हो जाता है Redmi Note 8 Pro का, एंड इसको भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और भी कई सारे फीचर्स हैं दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के, उसके लिए दोस्तों मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।